देखिए, आपके पास ये सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम है। खैर, थोड़ी सी थोड़ा सा आप इसे स्पेशल समझ सकते हो। एक बार आप कर लोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, ठीक है। देखिए, ये साइन 2x है, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब 2 sin x और cos x हो गया, प्लस आपका क्या था? 1 था। ऊपर हम लिख देते हैं cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ के बाद देखिए, इस 1 को हम लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते थे, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इस 1 को हम हटा के साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a into b, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट कुड बी रिटेन एज ए इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज डी एक्स। क्या मिला हमें? हम लोगों को ये साफ दिख रहा है कि जो नीचे वाला ये टर्म है, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है। देख लीजिए, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। इसका मतलब कि अगर मेथड आप सब्सटीट्यूशन से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करें तो इसको हम क्या प्लेस कर देंगे? टी प्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये अपने आप डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वस टू टी। तो क्या हो जाएगा आपका, साइन का कॉस हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एंड माइनस साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू टी का 1 और फिर डी टी, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट कर दीजिए और अपने डमी वेरिएबल टी में ले आइए एक्सप्रेशन को। तो इंटीग्रल ऑफ, ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा टर्म डी टी बन जाएगा, डी टी, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी स्क्वायर। इसका मतलब 1 बाई टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, -1 बाई टी की पावर -2, और ये आपका t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, है ना। तो ये फाइनली -1 आ गया, तो ये माइनस लिख दीजिए, ये t की पावर -1 आएगा, तो उसे 1 अपॉन t लिख दे रहे हैं। लेकिन आंसर को हम अपने डमी वेरिएबल में तो लीव करेंगे नहीं, क्या करेंगे, जो हम t सब्स्टिट्यूट किए थे या ओरिजिनल वेरिएबल था उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो t हमने सब्स्टिट्यूट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस, दैट इज अ फाइनल आंसर।